हेलो भाई, मैं उन पवार। मेरे को अपनी जो कार का ग्लास है वो ऐसे क्यों करना पड़ रहा है वो आपको मैं समझाता हूँ पूरा इस वीडियो में। आप आखिर तक देखो क्यों, वो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। लेकिन आप जाइए एक महीने पहले 23 मार्च जब हम 10 बजे रात को फरीदाबाद से पलवल जा रहे थे, तब तक मैं और तोड़ता हूँ इसको। बुरा भी लगाओ ना ट्रक से, ट्रक से तो लगाओ है ना, पता ना कहीं अलग ट्रक में तो ना आए। भारतीय करवाए कितने को हो गए? 1000 रुपए फाइल चार्ज। ना ना वैसे शीशा लगवाए बता। सब रोज चटक तो चले जाए वो। तेरी गाड़ी ना जिंदा। अरे यार, अगर तू अपने घर की ना सुनाएगा तो घर के आना कहेंगे तू यहाँ का कत हो। वो तो कोई ना ना पता लगेगा। लगी कहाँ थी एकदम फड़ाक दसी है? पता नहीं कहाँ से उड़ के ही आए हो। ये तो वैसे वारे हैं, इनमें तो कहाँ थे आ जाएगा वो पिछला देख होता है ना, वो ना कैरी तो ना कर रहा हो। जेसीबी वहाँ में तो हुई। अच्छा, उनके वहाँ के टायर तोड़ के आए हो? कोई पत्थर और कोई मोटी पत्थर हो? हाँ छोटा मोटा ना हो। और देखो फैलती चली जाएगा सब रो। अभी तो ना फैले, जब ब्रेक रन लगा तो बहुत तेज है। तो अभी आप दिन में देख लो भाई ये कितना टूटा है। तो रात में तो आपने देखा एकदम से कैसे पत्थर, इतना मोटा कोई पत्थर था एकदम से यहाँ पे लगा है। और यहीं के यहीं आप देख सकते हो बढ़िया वाला इसने यहाँ पे क्रैक कर दिया है। और जो ये पूरा शीशा है यहाँ तक टूटा है, ये वाला यहाँ तक टूटा है। और ये यहाँ पे उस दिन तो कम था, अब फैलता जा रहा है यहाँ तक पहुँच गया है। अब ये मेन पता भाई दिक्कत कैसे देता है, अगर ये लाइन होती इसमें ये वाली तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसको चेंज भी नहीं करवाता। लेकिन जो ये वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल आंख जैसे मैं अपने आंखों के आगे है मेरे कैमरा, तो बिल्कुल मेरी आंखों के आगे पड़ता है। और अभी तो चलो धूप इस साइड की नहीं है, जब धूप यहाँ पे पड़ती है ना तो मतलब इतना सिर दर्द होने लग जाता है, एकदम से रिफ्लेक्शन से वो पड़ती है, अजीब सा ही लगता है। इस वजह से ये चेंज करवाना ही पड़ेगा। ये देखो भाई आप, बढ़िया वाला क्रैक हो गया। इस ये वाला चल गया था लेकिन यार ये वाला नहीं चलेगा, और दूसरी बार आज 6-7 महीने में बताओ यार ये टूट लिया। अब इस पर कुछ कर भी नहीं सकते इसका, अब एकदम से ऐसे छटके लग जाए पत्थर, रोड पे चलते हैं तो अब उसमें किसी की गलती तो है नहीं भाई। कहाँ से वो आया कहाँ से नहीं आया पता ही नहीं चल रहा है, वो फुटेज भी आपने देखी इसमें आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो अभी इसको रिप्लेस कराएंगे और तो कुछ नहीं भाई चलो। तो अभी जो आपने पिछली वीडियो देखी है भाई, ये मैंने बनाई थी 15 दिन पहले, यानी कि शीशे टूटने के 15 दिन बाद। आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल, पूरे पट्टा आज 1 महीना हो चुका है भाई शीशे के टूटे हुए। 23 मार्च को ये टूटा था। अभी 15 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन मैं जा रहा था चेंज करवाने, लेकिन उस दिन टाइम से नहीं मिला तो नहीं हो पाया। लेकिन आज 100% इसको चेंज करवा दूंगा। और अब ये क्रैक मैं बता देता हूँ, अगर क्रैक हो जाता है तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। एक महीने में ही कितना बढ़ गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये इतना मोटा पत्थर लगा था ना, उस दिन आपने देखा था ये लाइन यहाँ तक थी। अभी नई लाइन एक और उत्पन्न हो गई है जो कि यहाँ से जा रही है भाई, और पूरी ये वाली तो यहाँ तक पहुँच गई है। और ये अभी ये इतना इरिटेट करने लग गई है ना चलाते टाइम, अभी मैं आपको खुद चलाते टाइम दिखा देता हूँ। मतलब जो मेन ड्राइवर की नज़र होती है वही यहाँ पे पड़ रही है, ये देखो। तो डिस्ट्रेक्शन ही इतनी होती है भाई, मतलब मज़ा नहीं आता गाड़ी ड्राइव करने में। इसकी बात बता रहा था मैं, ये वाली नई लाइन आ गई। और यहाँ पे भी ये वाली जो छोटी वाली आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पे नई लाइन आ गई है। तो फिर से आप पहुंचे भाई हम विंडशील्ड एक्सपर्ट्स के पास। अभी आए थे कुछ दिन पहले ही, ये 7 महीने में दूसरी बार टूटा है अपनी कार का। जब नई ब्रांड न्यू ली थी 15 दिन बाद तभी टूट गया था, लेकिन आज फिर से अपने को चेंज करवाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या होता है, या आप यहाँ से करवा लो या यहाँ से करवा लो एक ही बात है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो सेम ही होता है इस कंपनी का। ये कंपनी इनका ग्लास बनाती है, बस किया वाले में क्या है कि यहाँ पे किया का लोगो मिल जाएगा, इस तरीके से स्पॉट बना देना पड़ता है जिससे इंश्योरेंस कंपनी को फोटो भेजा जा सके अपना। एक चीज़ अब देखो, हमारा जो नो क्लेम बोनस था वो पहले भी चला गया था, तो हम दूसरी बार लें तीसरी बार लें अनलिमिटेड क्लेम बोनस होते हैं, तो वो जा रखा है वैसे भी। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चेंज होता है।
तो यहाँ पे एज यूजुअल जो फोटो वगैरह होते हैं कार के वो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को भेजने के लिए। इंश्योरेंस भी चेंज करवा रहा हूँ भाई, वैसे 8-9 हज़ार रुपये का है ये, पर वैसे जैसे मैंने बताया नो क्लेम होने जा रखा है तो क्या फ़ायदा अपने इंश्योरेंस में करवाओ, 1000 रुपये फाइल चार्ज लगेंगे और छुट्टी है। नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो भाई इसका, इससे क्या करने वाले हैं भाई? इससे ग्लास डैमेज करना है। ऑलरेडी हो तो रखा है ग्लास डैमेज, ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस में करना पड़ता है, डैमेज दिखाना पड़ता है, प्रॉपर हमने ग्लास स्क्रैप कर दिया पूरा। प्राइवेट में नहीं? अच्छा, गवर्नमेंट को लाभ हम ही करते हैं भाई। आ जाओ, कैसे करना है बता दो एक बार। तो अब पता लग गया होगा भाई मैं क्यों तोड़ रहा हूँ इसको, और ये ज़रूरी क्यों होता है भाई ने आपको बता दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारा यूनाइटेड से इंश्योरेंस है उनको भेजना पड़ता है कि हम पूरा जो ग्लास है वो डैमेज कर रहे हो और ये दोबारा यूज ना हो सके। yes. यही कारण है ना इसका। ठीक yes. है, अभी पता है मेन दिक्कत क्या होती है भाई, जैसे ही मेरा डैश कैम चिपक रखा है, अब इसकी ये पन्नी से हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट देती है ये भी गया, अब ये दोबारा पता नहीं कैसे मिलेगा ये, तो चलो इसको तो हम एडजस्ट कर लेंगे कैसे अपना चिपक जाएगा ये दोबारा से। अब मेन चीज़ जो बहुत भाई बोल रहे थे फास्ट टैग क्यों नहीं चिपका रखा, तो इसलिए नहीं चिपका रखा। अब अपने बच गए ना अपने 150-200 रुपये, वरना फास्ट टैग इस पर रहता वो डैमेज हो जाता है, एक बार विंडशील्ड पे चिपकने के बाद वो दोबारा नहीं होता। ये क्यों लगाना पड़ता है भाई ये सब जो आप लगा रहे हो? ताकि ग्लास ब्रेक होता है तो कुछ ग्लास के पार्टिकल्स गिर जाते हैं। अच्छा अच्छा, मिट्टी भी गिरती है, उस चीज़ को कवर करते हैं, गाड़ी गंदी कम से कम हो। इसमें कितना टाइम लग जाता है टोटल कम्प्लीट अपना? 1 घंटा। ओके, तो जो अपने वाइपर्स होते हैं वो इसी में अटैच रहते हैं, तो पहले वाइपर्स खोले जाते हैं उसके बाद यहाँ से ही हटता है पूरा प्रोसेस, देखते रहो आज आप। ये क्या कर रहे हो भाई ऐसे? ग्लास काट रहा हूं। काट रहे हो? ये काटना पड़ता है? हाँ जी। ऐसा कैसे? मतलब ब्लेड होता है, ब्लेड को शीशे में फंसाया जाता है, जो पेस्टिंग होती है वो रबड़ बन जाती है, रबड़ काटनी पड़ती है। अच्छा, तभी ये कहीं नहीं भागता। एक घंटे में जैसे आप बता रहे हो चिपक जाता है, देखो प्रॉपर 24 घंटे लगते हैं पेस्ट को रबड़ बनने में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये सिंपल रखा रहता है फिर तो, लोग वगैरह कुछ नहीं होता इसमें? ये तो यहाँ से खोल लिया पूरा सिस्टम जो लगा होता है वाइपर, वाइपर सारा ऊपर से भी काटना पड़ता है? हाँ जी, चारों तरफ से काटना पड़ता है। अच्छा भाई, तगड़ी जान लगानी पड़ती है ना? बिल्कुल। और भाई ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है विंडशील्ड एक्सपर्ट वगैरह से, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, अपना अपनी इच्छा है आपकी, अगर आना चाहो तो करवा लो। मेरे को पहले इनका काम बढ़िया लगा था तो आ गया मैं। किया वालों का झंझट ही रहता है, 3-4 दिन गाड़ी खड़ी रखो, प्लस उनका यूनाइटेड जो इंश्योरेंस मैंने ले रखे हैं उनका टाई अप भी नहीं है। मेरे को पहले फुल पेमेंट करनी पड़ेगी 9,000 रुपये, उसके बाद मैं जाऊंगा उनके ऑफिस, फिर वो रीइंबर्समेंट मेरे को 7 दिन में मिलेगा, तो बहुत ताम झाम होता है उसके अंदर। इनका क्या है, अपना 1 घंटे में मेरे को बस 1,000 रुपये फाइल चार्ज देना है, ये अपने आप कंपनी से डील करते रहेंगे, तो ये बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है। मेरे को कुछ नहीं करना, अपनी आईडी एक आध देनी है और बस ख़त्म मामला, अपने आप सही है इनका, इस वजह से आ जाता हूँ। ये देखो भाई ऐसे कटता है ग्लास, देख लो आप। अरे विदाउट सेंसर वाला अपना है ये जो है, अगर आपका सेंसर वाला मतलब टॉप मॉडल है जिसमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें फिर और कॉस्टली ग्लास आता है थोड़ा सा, लेकिन वही फाइल चार्ज में 200-300 रुपये बढ़ेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है पूरा कंप्लीट। और ये दोनों शीशे अलग अलग आते हैं पीछे से ही, सेंसर वाला और ये विदाउट सेंसर। कट गया है तीनों साइड से, ये देखो आगे बाहर। पता नहीं भाई किसकी तो नज़र लग रखी है किसकी नहीं, जैसे अरुण बोल रहा था ना उस वीडियो में कि भाई नज़र लग रखी है तेरी गाड़ी को, लेकिन नज़र वज़र तो उतरवा ली। खैर हमने महीने भर ही पहले बहुत ज़्यादा टच हो रही थी, कभी कहीं अपना शीशा टूट रहा था, लेकिन वो तो उतर उतर गई, अब इसको फाइनल चेंज करवा रहे हैं हम, गाड़ी सही है कोई दिक्कत नहीं है। ये अब इतनी मस्त हमने गाड़ी बनवा ली, हेड लाइट टेल लाइट सारा कुछ, फॉग लैंप वगैरह, और एक ग्लास टूटा बुरा सा लगता है, ऊपर से ब्याह आ रहा है हमारे घर में, और लॉकडाउन कब लग जाए फिर तो एक पेंडिंग में चला जाएगा। वैसे मैंने 1 महीने लेट कर दिया है, सोचा भाई करवा ही लेते हैं इसको। ये भी काट ही रहे हो ना आप? हाँ जी। अच्छा, नीचे से काटने का अलग प्रोसीजर है? हाँ जी, नीचे मशीन नहीं चलती कटने से। हाँ, बाहर इसलिए करवा रहे हैं भाई चेंज, ये अपना अंदर भी हो सकता है, अंदर ही करवाया था पहले हमने, बाहर मस्त वीडियो से बन जाए तो लाइट वगैरह प्रॉपर रहती है ना, इस वजह से जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बोला भाई उसे क्या बाहर कर दो थोड़ा। ये IRVM भी सी पे लगा होता है क्या है भाई? ये शीशा भी सी पे लगा होता है? अब ये कैसे निकलेगा? लॉक होता है वो
मैं शीशे में हाथ लगा के निकालते। अच्छा ठीक है भाई, ये देखो ओ भाई विदाउट विंडशील्ड कार कैसी दिखती है आप देख लो। हाँ ये शीशा कैसे निकलेगा भाई? अच्छा बाद में निकालोगे इसको एंड में? अभी निकाल। हाँ निकाल दे, दिखा दो ये पीछे भी इसमें, लेकिन भाई आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे निकलता है ये। कभी ध्यान ही नहीं दिया भाई अपना, ऐसे तो बता देते ये आई आर वी में इलेक्ट्रो क्रोमिक वाला है नहीं है, लेकिन ये विंडशील्ड पर चिपका होता है नहीं पता था भाई, आज ढंग से ध्यान दिया देखो। अच्छा नट होता है, नट को खोला जाता है, स्टार वाला पेच कस होता है इसके लिए। हाँ हाँ बस, और वो ये चीज़ उसी लगे आती है उसमें शीशे पे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। अभी जो वो गम होती है ना वो इस तरीके की रबड़ बन जाती है जो भाई आपको बता रहे थे ना, ये हटती है फिर वो दोबारा चिपकेगी सारा, देख लो कैसे विंडशील्ड होता है। और एक चीज़ और देखो भाई, ये क्या ने ये क्या लगा रखा है? ये मेरे ख्याल से वो बजे ना ऐसे, इसलिए है ना ये इंसुलेशन वगैरह के लिए मेरे ख्याल से, जिससे आवाज़ ज़्यादा ना पहुँचे। देखो क्या यूज़ कर रखा है ये अंदर, और एक चीज़ और देखो भाई, अगर गाड़ी में विंडशील्ड ना हो तो क्या अपना मस्त एसी की ज़रूरत नहीं है, ठंडी ठंडी हवा आएगी बाहर अंदर और पूरी गाड़ी में हवाई हवा बढ़ जाएगी, माइलेज अपनी भाई 5 की आएगी क्योंकि गाड़ी हवा को खींचेगी, मतलब लफड़ा ही है। ये देखो भाई अपना आर पार सारा हाथ वाथ निकल जाता है, लग जाएगा ग्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नया ग्लास अपनी कार पे इंस्टॉल होगा वो ये है भाई। अब इस पे क्या करेंगे भाई, ये इस गन से आप क्या करने वाले हो? पेस्टिंग लगाएंगे जैसी। तो पेस्टिंग लगाओ, कैसे लगाते हैं? ये पेस्टिंग है जो रबड़ बन जाएगी। अच्छा ये रबड़ बन जाएगी कितनी देर में? 24 घंटे में। अच्छा तो पूरी पे ग्लू लगा दिए भाई अपनी, जो भाई ने पेस्टिंग बता रहे थे, इससे क्या करने वाले हैं भाई? शीशे उठाते हैं। हाँ शीशे उठाते हैं, शीशे इससे उठाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जो अपना नया शीशा है वो रख दिया जाएगा पेस्टिंग लगाने के बाद। बस अभी अपने आप चिपक जाएगा 24 घंटे में, और जो हमने अनपैक करा था वो पैक कर देंगे। बस यही प्रोसीजर होता है बस विंडशील्ड चेंज करने का, बड़ा सिंपल है भाई, कुछ भी टाइम ही लगता है इसमें तो, आधा घंटा लगता है मेरे ख्याल से मुश्किल से, तो अगर ग्लास अवेलेबल हो तो। अपनी फ्रंट विंडशील्ड बदल चुकी है भाई, अभी दोनों भाई वो सब टाइट करने में लगे हुए हैं, वाइपर वगैरह जो भी खोले थे। अभी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मिलवा देता हूँ सर से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे पहले स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, जैसे मैंने बताया ये जस्ट नॉलेज के लिए आपकी मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे सर अपना किसी का ग्लास टूट गया तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का अगर किसी का होता है तो चेंज हो जाता है इंश्योरेंस में ही? फाइल चार्ज डिपेंड करता है कितनी बड़ी गाड़ी है मेरे ख्याल से, ऐसे कितनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अगर मान लो जैसे किसी का टूट गया तो क्या प्रोसीजर उसको करना होता है अप्रूवल वगैरह के लिए? अप्रूवल का प्रोसीजर सारा हम ही करते हैं। आप ही करते हो? जैसे अगर कोई किसी का टूट गया, अगर वो आ गया आज, तो आप ही कर दोगे सेम डे? हाँ प्रोसीजर सारा हम ही करेंगे। हाँ हाँ, और ग्लास अवेलेबल अवेलेबिलिटी भी कुछ रहता है क्या? ग्लास अवेलेबल मिल जाते हैं सारे, मिल जाते हैं सर, बड़े मिल जाते हैं। और ब्रांच मेरे ख्याल से आपकी हर जगह होती है ना? हाँ ऑल ओवर इंडिया अपनी ब्रांचेस हैं। अच्छा अब ये बताओ मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं अपने चेंज कराने के लिए? डॉक्यूमेंट्स तो एक आईडी प्रूफ ही होता है कस्टमर का। हाँ आईडी प्रूफ ड्राइवर का या जिसके नाम गाड़ी है? नहीं ओनर का चाहिए होगा। ओनर का? अच्छा ओनर का। और पॉलिसी हो गई, आरसी हो गई, लाइसेंस, बस यही डॉक्यूमेंट। और आप चेंज कर दो डॉक्यूमेंट से काम होता है। जैसे हमारा फाइल चार्ज कितना है आज का, मतलब जो हमको देना है? गाड़ी का है 1000 रुपये फाइल चार्ज है, इसमें एज पर पॉलिसी जो भी पॉलिसी में मेंशन हो रखा है। पॉलिसी मेंशन होती है चीज भी कितना फाइल चार्ज आएगा? ये पॉलिसी मेंशन होती है पॉलिसी पे कंपलसरी 1000 रुपीज़। अच्छा ये लिखा होता है हर पॉलिसी पे कितना फाइल चार्ज आपको लगेगा। इंजीनियर साहब डन हो गया सारा काम? डन है सर। अब ये बताओ क्या प्रिकॉशंस अपने को लेने हैं?
गाड़ी स्लो ड्राइव करनी है 24 घंटे ब्रेकर्स में आराम से चलाना है, हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। और प्रेशर वॉश नहीं कराना, दो दिन प्रेशर वॉश नहीं करवाना, और शीशा अंदर से साफ नहीं करना 24 घंटे। अच्छा बस ठीक है, स्पीड ब्रेकर में स्लो चलाएंगे बस। चलो भाई चलते हैं। और भाई जो ये चिट लगाते हैं ना हम लोग, ये मैं ट्राई कर रहा था कि छूट जाए और उस पर लग जाए, लेकिन जैसे मैं उसको छुटा रहा था तो ये फट गई। मतलब ये नहीं छूटती, अगर एक बार आपकी कार किसी से चिपक गई ना तो ये आप आता है। अब जो गवर्नमेंट नई नई रूल निकाल रही है, नहीं सोच रही किसी की विंडशील्ड क्रैक हो जाती है तो बंदा फिर कैसे इसको अरेंज करेगा। HSRP के साथ ही आती है ओनली ये, अब देखते हैं रिस्क पे ही काम चलेगा। अभी 1000 रुपये देने के बाद भाई अपना ग्लास पूरी तरीके से बदल चुका है, देख सकते हैं आप। वो यार पहले वीडियो बनाने में दिक्कत होती थी कि वो क्रैक साथ रहता था ना, मज़ा नहीं आता था, और ये नहीं चिपकता है दोबारा। अब इसका फेविकोल वगैरह से चिपकाना पड़ेगा। अब सही लग रही है ना? हाँ भाई, वो पहले बेकार सी लगती थी। अब भाई जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पत्थर झटके लग गया, अब इसमें आदमी क्या ही कर सकते हैं। सामने वाले की गाड़ी की भी गलती नहीं है भाई, उसने जानबूझ के थोड़ी मारा है। और इसमें डैश कैम में तो स्लो मोशन में मैंने दिखाया है, वो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से आया है। और हाँ एक चीज़ और है, मैं ना बिल्कुल चेंज नहीं करवाता इसको। इस बार अगर वो उधर साइड लगा होता कहीं पे, उधर साइड क्रैक होता, ये यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहा था। अभी मैंने महीना भर ले लिया इसको चेंज करवाने में, क्योंकि फैलते ही जा रहा था, फैलते ही जा रहा। और एक और चीज होती है वारंटी, अगर आपकी कार में वैसे ही खड़ी खड़ी में इसी से चटक जाता है धूप से या किसी कारणवश, और कहीं पे भी स्पॉट नहीं है कि कोई कंकड़ से लगा है या फिर कोई पत्थर से लगा है, तो वो कंपनी वारंटी में चेंज करती है। ये वारंटी के अंदर कवर रहता है, जिसमें आपके 1000 रुपये भी नहीं लगते, केवल आपको सर्विस सेंटर जाना है जो रिस्पेक्टिव आपकी कंपनी है उसके, और वो फ्री में आपका ग्लास है जो चेंज करके देते हैं। लेकिन अगर कोई डैमेज हुआ है पत्थर से या कोई और चीज़ से, तब भाई अपना फाइल चार्ज लगता है, लेकिन हो जाता है इंश्योरेंस में कवर। तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।